सो गाइस, हो गई है सुबह और आज पता नहीं क्यों लाइट नहीं है हमारे खजुराहो में। आज सुबह से 6 बजे से नींद खराब हो गई थी मेरी, बट मैं आलसियों की तरह लेटा रहा लेटा रहा लेटा रहा, जब तक 9 नहीं बज गए तब तक मेरा उठने का मन ही नहीं किया। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये दिन खूबसूरत सा बिना लाइट के, देखते हैं कैसा गुजरता है। अब क्या है, लाइट तो है नहीं, नहीं तो सुबह से उठ के मैं पीता हूँ गर्म पानी। और गर्म पानी पीने से क्या होता है कि आजकल ये कोरोना वोरोना का चल रहा है, तो ज़्यादातर सबका कहना यही है, डॉक्टर्स का भी सबका, कि गर्म पानी पियोगे तो सही रहेगा। तो भाई इसी चक्कर में पीता हूँ मैं गर्म पानी, ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं है लेकिन कुछ दिनों से पीने लगा हूँ तो आदत सी हो गई है और अच्छा लगता है। तो भाई जैसे मैं अपने रूम में केटल रखे हुए हूँ लेकिन आज लाइट नहीं है, तो फिर आज चलते हैं नीचे, बोलते हैं प्रिंसी से गर्म पानी ले दीजिए प्लीज़। दोस्तों इस टाइप से चल रही नाश्ते की तैयारी, प्रिंसी की उपमा बना हुआ है, उपमा बना हुआ है, लौकी दाल चावल आटा, आटा चावल दाल लौकी बन रही है लौकी की सब्जी। रस बना रहा हूँ गाइस, सीरियसली बहुत अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए, पेट के लिए सबसे अच्छा होता है गाइस। और ये ऐसी हाथ से कुछ उम्र करके बनाया जाता है गाइस, और सुबह से मैं ये भी कभी कभी पी लेता हूँ जब जैसा मन होता है। हाथ से इसलिए बनाते हैं क्योंकि ना इसमें कड़वे कड़वे बीज होते हैं, तो अगर आप मिक्सी से इसको ग्राइंड करेंगे ना तो कड़वा हो जाएगा पूरा। भरत के हाथ से मैश करके और छन्नी से छान लेते हैं। ओके प्रिंसी, थैंक यू प्रिंसी। सो गाइस ये देखिए, ये बेल का रस है और ये मम्मी पापा के लिए मेरा अंदर रखता है गाइस, तो मैं उनको भी बना के देता हूँ गाइस, ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। आप लोग भी बनाइए, तो हमने तो आज बना दिया, रोज देती आज मैंने बनाया गाइस, आप लोग भी बना के पीजिए, बहुत टेस्टी होता है, मजा आएगा आपको भी, टेस्टी भी बहुत होता है। शक्कर मम्मी पापा के लिए शक्कर मिला देता हूँ, मैं खुद नहीं मिलाता हूँ गाइस। इट्स टाइम टू लॉग इन टू माई ऑफिस। और गाइस वर्क फ्रॉम होम चल रहा है साल भर से, बस यही रहता है, पूरे दिन यही चलता रहता है, सुबह उठो खाओ पियो और बस काम करने लगो, बस काम करो रात तक सो जाओ, बस यही चलता रहता है। और दिन में जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं उनसे मैं रूबरू कराता हूँ आपको। और चलिए शुरू करते हैं ऑफिस टाइमिंग। गाइस ये रात भर का पूरा मैस यहाँ रखा रहता है, रात में वो वीडियो शूट करती प्रिंसी, कैप लगवाती, कहीं कुछ करवाती है। गाइस ये हमारी दुकान है ये, और शुरू करते हैं आज का काम। और गाइज आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, ये देखिए क्लास चल रही है प्रिंसी की और ये व्हाट्सएप पे चल रही है इसकी चैटिंग। देखिए ये क्लास चल रही है, व्हाट्सएप पे इसकी चैटिंग चल रही है, इसकी वही दोस्त कोमल है। ये लोग पता नहीं आपस में क्या डिस्कस करते हैं क्लास के टाइम पे, कुछ समझ नहीं आता क्या डिस्कस कर रही है मैडम, हमें समझ में नहीं आई। ये गाइस म्यूट किए हुए इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। और ये प्रिंसी की ऐसे चलती है ये ऑनलाइन क्लास। प्रिंसी तुम्हें कितना समझ में आता है ऑनलाइन क्लास में? पूरा। कितना पूरा? कितना? कंप्लीट समझ में आता, आप समझ गए? कंप्लीट मतलब कंप्लीट जीरो, ठीक है ना। चलिए गाइस प्रिंसी लेती है अपनी ऑनलाइन क्लास और मैं करता हूँ अपना काम। गाइस ये सारा दिन नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं ये घड़ी पहन लेता हूँ जिसमें मेरा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस शाम हो चुकी है, क्यों प्रिंसी तुमने अपना मेकअप यहाँ क्यों शिफ्ट कर लिया? तो लाइट नहीं थी ना इसलिए। तो लाइट जला लेती, लाइट ही नहीं थी आज। अच्छा इसलिए यहाँ ये खोल के हैं। हाँ। अच्छा और आपको भी डिस्टरबेंस होता ना सुबह सुबह, तो फिर इस वाले शीशे पे करोगी तुम मेकअप। वेरी गुड गाइस, सुन लिया आपने, शाम हो गई और अभी शाम की लीपा पोती चल रही है। क्यों प्रिंसी चाय पवा दो, पवा लेंगे? नहीं ये खाना नहीं, ये तुम खा लो चाय, हम पी लेंगे। तो गाइज अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और ये भाई साहब एज यूजुअल अपने लैपटॉप में लगे हुए हैं, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि चलो ना शाम को छत पे चलते हैं, सारा दिन एसी में कौन बैठता है यार। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस को शाम को मतलब कि छत पे घूमना अच्छा लगता है, वैसे क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, तो भैया चलो चलते हैं छत पे। बड़ा सुहाना सा मौसम है आज, और गाइज आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए इसे लॉकडाउन में।
जय महारानी। डेली शाम को घूम लेना चाहिए। और ये जो लाइट है ना, ये वाली जो लाइट है गाइस, ये मुझे बहुत पसंद होती है। जब दिन ढलता है और रात आती है, मतलब शाम के और रात के बीच का जो समय है गाइस, सीरियसली बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा समय होता है। और बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम घूमने में। जब मैं ऑफिस में मतलब हम लोग जब ऑफिस में जाते थे गाइस, तो शाम के टाइम ये जो टाइम होता था ना, इस टाइम पे मैं ज़रूर ऑफिस से मतलब बाहर टहलने के लिए हम लोग निकलते थे गाइस। चाय, एक एक चाय ले ली, और गाइस बिस्किट वहाँ पार्ले जी, क्रैक जैक, जो भी, मतलब ये कुछ ऐसी बिस्किट्स हैं जो सदाबहार हैं, इन्हीं में से कोई एक लेते थे हम, मैं था, मेरा दोस्त प्रिंस, और उसका भी नाम प्रिंस गर्ग है, और प्रफुल्ल। हम तीनों बढ़िया शाम को बढ़िया मस्त घूमते थे। कम से कम आधा एक घंटा तो घूमते थे ये टाइम पूरा, जब अंधेरा हो जाता था फिर जाते थे लॉगिन करने फिर से गाइस। तो बड़ा मतलब बहुत ही खूबसूरत जो ये जो टाइम होता है, ये जो लाइटिंग होती है, मतलब एक बहुत प्यारी सी जो अंदर अपने अंदर एक प्यारी सी एक उमंग जागती है। इस टाइम कुछ ऐसा दिमाग में चलता है मतलब, और अपने आप एकदम से शांति महसूस होती है। आप भी कभी इस टाइम पे ज़रूर घूमने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जो नहीं घूमते हो, जो घूमते हो उन्हें पता ही होगा। और गाइस अब आपको दिखाते हैं, प्रिंसी जी भी आ गई। क्या कह रही तुम? ओह माय गॉड, अबे तो तुम हिंदी में बोल रही, जब तक कैमरा ऑन नहीं भाव तो काहे। तो प्रिंसी तुम्हें कैसा लग रहा है छत पे आने के बाद? आज तो मौसम बड़ा सुहाना सा लग रहा है। ये देखिए गाइस, अब ये हिंदी में आ गई, इसकी थोड़ी भंजाई कर दी है। और गाइस ये देखना, एक सेकंड के लिए रोकेगी नहीं, मटकती रहेगी। तो प्रिंसी तुम एक चीज बताओ, देखो सामने जो लड़की है ना बेटा, सेट है हमारी, तो हम क्या करें, कछु करो, कैसी लग रही कैसी लग रही बताओ गाइस? सुन लिया आपने कैमरे में, बेबी कहीं वो देख तो नहीं रही होगी है? सही बात है, हो सकता है ब्लॉग, वी नेवर नो। सो गाइस यही हम लोग और आप लोग सब गाइस सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्यों प्रिंसी? हैं, बोल दो सबसे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट क्रिएटिव कपल। गाइस ये देखो, इसको बात करने के लिए बस कोई मिलना चाहिए, बस बात करने के लिए। और देखो बच्चों के संग बच्चा बन जाती है, और ये लगी हुई है उनसे बकवास करने में। देखो तो मैं कैसे समझ में आ रही प्रिंसी हैं, क्या बोल रहा है जो लोग? अच्छा, जे वाली वीडियो। हाँ। और क्या बोल रहे? और बताओ क्या बोल रहे? तुम लोग को ठीक है, तो तुम सबसे लाइक करवा दोगे? ठीक है। तो गाइस हम लोग की शाम अक्सर इसी तरीके से बीतती है। आज हमने सोचा आप लोगों को दिखा दें, छत पे हम लोग टहलते हैं क्योंकि लॉकडाउन पड़ा है, तो हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जा रहे। अच्छा, और तो पता है लॉकडाउन है गाइस, पता किसी को नहीं पता था, पता है प्रिंसी को? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो हम लोग मनाली से घूम के आए इतना ज्यादा, उसके बाद दिल्ली में घूमे, और उसके बाद घर आके हम लोग सीधे पैक है। मतलब आप सोचिए 8-10 दिन का ट्रिप था, तो वो भगवान ने हम लोग का पूरा 1-1.5 महीने का ट्रिप करा दिया कि अब आके घर में आराम करो, खाओ और सो, है ना गाइज? ये बात तो बिल्कुल सही है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम लोग मनाली में थे तो ये दिन रात एक ही चीज़ बोलती थी कि हे भगवान हम लोग खजुराहो पहुंचे और लॉकडाउन लग जाए, बोलती थी कि नहीं? भगवान ने सुन लिया। तो गाइज ये अच्छी बात है, भगवान को सुनना चाहिए, वो नहीं सुनते। जैसे कि बहुत कुछ है वो नहीं बता। जैसे कि गाइज सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मुझे तो यही लगता है सबसे बड़ी बात यही होगी, क्यों प्रिंस? है ये बात कि नहीं है? हाँ बोला, बहुत धीरे सुनाई दिया, मुझे भी आप लोगों को भी सुनाई दिया होगा बहुत धीरे। तो गाइज यही है शाम, और ये जो शाम है ये आपके नाम। तो कौन सा गेम खेले? भाई ऐसे नहीं, हमें नहीं खेलना, तुम लोग खेलो, हमें शर्म नहीं आती, हमें हम बनता नहीं है खेलते, हम तो हम हमसे बनेगा ही नहीं खेलते। खेलो, कौन कौन कुछ हमें झड़ जाएंगे सबसे पहले। पकड़ कोई और जी, देखो हर गेम में गाइस आप देख रहे हैं कितना मटक रही है ये। ये गाइस प्रिंसी 2 मिनट में पकड़ चुकी है। हाँ सही बात है, तुम्हें इतनी जगह तो चाहिए खड़े होने के लिए। गाइस इतनी बड़ी छत है, इसे इतनी बड़ी छत इसको सिर्फ खड़े होने के लिए चाहिए होती है ना प्रिंसी? क्या क्या बजता है, क्या बोल रही है? किसमें? इस बार में फोन बजता है। तुमने कब देखा था? तुमने अपने पापा से कुछ कहा था ना? क्या कहा था बता। अच्छा किसने कहा था? इसी ने। कब कहा था? पहले बोला अपने पापा से।
पापा पापा हमें वॉच चाहिए। तो उसके पापा ने कहा चलो ठीक है बेटा हम तुम्हें वॉच दिलवा देंगे। तो उसके पापा ने बोला बच्चे वाली वॉच अब छोटा तो है 4 साल का। बोलते नहीं पापा जो नितिन भाई और प्रिंसी भाभी के पास वो वाली चाहिए। ऐसा बोला था तुमने पापा से? पापा ने झूठ बोला था ताकि इसको यकीन हो जाए कि चतुर्भुज का दिलाएंगे। अच्छा फिर पापा ने बोल दिया ठीक है दिला देंगे। प्रिंसी नहीं पकड़ पाएगी दोस्तों, पकड़ लिया फाइनली प्रिंसी ने। और गाइस आज ये मौसम देखिए, आप पेड़ देखिए, पेड़ों की हवा देख रहे हो कितनी, मतलब इतना प्यारा लग रहा है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारा मौसम है, मजा आ गया छत पे। क्यों प्रिंसी, यही मस्ती चल रही है प्रिंसी की देखिए आप, और ये खेल रही है बच्चों के संग। फेंक ना दियो तुम, फेंक ना दियो प्रिंसी। ये गाइस देखिए अब उसने किया तो उसने। गाइस ये देखो छोटे बच्चों का यही रहता है कि आप मुझे भी अब मुझे भी। ये देखिए गाइस तो चलो फिर आ जाओ आ जाओ। तो गाइस अब हम लोग गाइस अब हो चुका है अंधेरा और अब जाते हैं नीचे, और जो मेरे ऑफिस का बचा कुचा काम है वो कंप्लीट करते हैं। और सो गाइस हो चुका है मेरा आज का काम और अब करते हैं आराम। और प्रिंसी कर रही है बातें और मैं करूंगा अपना काम खत्म। सो गाइस आज पूरी कोशिश की ये हमारा डेली रूटीन दिखाने की। सो गाइस आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई कमी हो या कोई एडवाइस हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर। ये हाथ बीच में प्रिंसी के आ रहे हैं, अपनी शक्ल लेके नहीं आ रही क्योंकि लग रही है ऐसी।